Hey there guys, I'm Yomesh Devgan and you're watching Mix Up the World. आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हार्ड डिस्क जो सीपीयू के अंदर होती है, सीपीयू खराब हो चुका है तो इसकी जो सीपीयू की हार्ड डिस्क निकाल के यूज करेंगे। कितना बुरा हाल है, ये हार्ड डिस्क ट्राई करते निकालने की, ये टच नहीं करी मैंने। तो गाइज ये सब निकला है उस सीपीयू में से और ये उसका इंटरनल। तो गाइज ये वो हार्ड डिस्क सीपीयू में से निकाल ली थी, मैंने सीपीयू को पहले भी खोला था SMPS के लिए, पता लगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्यों खोला है, क्यों चाहिए था इसको। अगर नेक्स्ट नहीं तो दो चार वीडियो के बाद पता लग ही जाएगा। ये हार्ड डिस्क है, ये है 320 GB की वेस्टर्न डिजिटल WD की, अराउंड 2012 की, तो आज 2020 अराउंड 8 साल पुरानी। तो ट्राई करते हैं इसको यूज करने के लिए इसके साथ। एक छोटी सी चीज़ पता लगी है गाइस कि हमें ये पेच निकालने पड़ेंगे पहले। तो गाइस मैं थोड़ा ऑफ कैमरा टेस्टिंग करने के लिए गया था इसकी, लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी, ऐसे करने पे ना ये बज रही थी, हाँ लोहे से लोहा टकरा रहा था, ये दोनों ये जो बीच में गैप है तो ये टकरा रहा था। मैंने क्या करा, ठीक है क्या करा, ये पेच जो होते हैं ना ये सीपीयू के साथ, ये सीपीयू के साथ माउंट करने के लिए वाले पेच लगे हुए थे इस पर। तो मैंने क्या करा, ये वाले पेच लिए, निकाले वापस और लगा दिए एंड ड्रॉप। इतनी ही बज रही है अब तो, ठीक है थोड़ी सी सेट है पहले से, लेकिन फिर भी बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। टेस्टिंग चलेगी, टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग साथ में दो पट्टियां भी मिली हैं, एक पट्टी यहाँ डालो, एक पट्टी यहाँ, और ये हो गया बंद। गाइस एक थोड़ी सी अपडेट देनी थी, मैंने ना ये थोड़े उल्टे करके लगा दिए थे, गलत तरीके से लगा दिए थे, अभी दिखाता हूँ मैं। ये देख रहे हो, ये देखो जी, ये जो खांचे से हैं ये गैप्स ना, इन वाले पेचों के साथ मैच होने चाहिए। मैंने क्या कर दिया था,
मैंने लगा दिया था ऐसे, ठीक है, अब ऐसे लगा दिया था मैंने, तो इसमें क्या है ये वाले पेच यहाँ पे जा रहे थे, मैच नहीं हो रहे थे, ये हिस्सा यहाँ पे जा रहा था, ये हिस्सा यहाँ पे जा रहा था, तो क्या कर रहा था हार्ड डिस्क ना खुद ही खुद निकल रही थी, गिर जाते थे। लेकिन लगानी इस तरीके से है ताकि ये वाला पेच इससे मैच हो, ये वाला पेच इससे मैच हो। और ये मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो कांप रही है, ट्राईपॉड मैंने रख दिया है, तो वापस करता हूँ एक बार भी। तो ये सब ऐसे ही करना है, ये है ना, ये मैच हुए, ये मैच हुआ पेच, ये मैच हुआ पेच, क्योंकि जो छोटे वाले पेज थे ये साथ में चल रहे थे, फिट हो रहे थे, लेकिन जी ये वाले छोटे छोटे पेज, बड़े वाले पेज है ना कंपेरेटिवली इनसे, ये इन जो ओपन सॉकेट्स थे इनमें फिट नहीं हो रहे थे, तो फिर देखा ये स्पेस बच रही है, तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बना कि शायद यहाँ पे फिट हो, तो पता लगा यहीं फिट होने हैं ये, साइज देखो साइज भी मैच कर रहा है। और जब वो फिटिंग की अपडेट पता लगी तो रियलाइज़ करा कि ये वाले पेज की भी नीड नहीं है, ये भी निकाल के साइड में रख देने हैं, बस इसको एज इट इज़ फिट करना है, उसमें इस तरह से फिट करना है, बिना पेज के, बिना कुछ बकवास के, कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना जैसे मैंने लगाया है, एंड फिट हो जाएगी, करके दिखाता हूँ। सेम ऐसे बस, एंड वी आर डन, कुछ नहीं हो रहा, हार्ड डिस्क नहीं निकल रही, वरना पहले गिर जाती थी खुद ही। अब नेक्स्ट पार्ट में इसकी टेस्टिंग करेंगे, चल रही है कि नहीं चल रही। अभी मैंने गाइस सब कुछ कनेक्ट करा है, बस ये है कि पुरानी हार्ड डिस्क का तो इसको एक्स्ट्रा अडैप्टर चाहिए होता है एक कनेक्ट करने के लिए, तो ये कनेक्ट करा इसके साथ। बस प्रॉब्लम एक आ रही है छोटी सी कि जब यहाँ पे डिवाइस डिस्क्रिप्टर रिक्वेस्ट फेल्ड, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज, इसका मतलब ये है कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा कि ये क्या चीज़ है इसके साथ, लैपटॉप साथ कनेक्टेड। तो बेसिकली अब मेरे को थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल गाइस सब अच्छा चल रहा है, हार्ड डिस्क कनेक्टेड है लैपटॉप से, तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट पड़ा मेरे को 800 रुपये का, तो 800 रुपये से क्या हुआ कि अगर मेरे को 500 GB की हार्ड डिस्क लेनी हो तो अराउंड 1500 या 2000 की तो आ ही जाएगी, ठीक है, और ऊपर से मेरे पास पुराना CPU भी पड़ा था, तो अब इसको वेस्ट तो जाने नहीं देना था, तो मैंने क्या करा कि ट्राई कर लेते हैं कि 800 रुपये में तो हो गया, बड़ी बात, ठीक है, बढ़िया है, क्या दिक्कत। और अब लैपटॉप पीछे अपडेट हो रहा है, तो जब तक सब हो रहा है, काम हो रहा है, मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बाय बाय।